ये रिश्ते कहलाता है निरूही। जो बात अपने मन में लंबे टाइम से छुपा कर रखी थी, दबा कर रखी थी, अब होने वाला है पोदार हाउस में अभीरा के साथ कुछ ऐसा जिसके बाद उनके मन की बात अरमान के सामने आती नजर आने वाली है, जिसको सुनकर अरमान के ना केवल होश उड़ जाएंगे बल्कि वो ये सोचने लगेंगे कि आखिरकार रूही ऐसा कह सकती है तो कैसे। वही अब हम देखने वाले हैं फैंस की एक्चुअली में अभीरा को दादी सा कहने वाली है घर छोड़कर जाने के लिए, और क्योंकि अरमान ने अभीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो अरमान को भी अभीरा के साथ पोदार हाउस छोड़कर जाना पड़ेगा। और वही अब हम देखने वाले हैं जब ये बात रूही को पता लगेगी, क्यों? क्योंकि रूही सिर्फ अरमान की वजह से ही पोदार हाउस में रुकी हुई है, और अगर अरमान ही अभीरा के साथ पोदार हाउस छोड़कर चले जाएंगे तो रूही किसके लिए वहां रहेंगी। तो अब रूही अरमान के सामने कैसा सजेशन रखती नजर आने वाली है, कहती नजर आने वाली है कि वो अभीरा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें, जिसके बाद अरमान के होश उड़ जाएंगे और वो हो जाएंगे कंफ्यूज कि आखिरकार रूही ऐसी बात कैसे कर सकती है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या दादी साहब की इस बात को भी वो नहीं टाल पाएंगे और अभीरा के साथ छोड़कर चले जाएंगे पोदार हाउस। जाने के लिए स्टार्स की शो ये रिश्ते क्या कहलाता है, लगातार देखते रहिए। स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय एवरीवन।